सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईक्यू के Z6 लाइट डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर सिस्टम नेविगेशन सेटिंग का यूज कैसे करेंगे। ये जो सेटिंग्स है काफी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स है। अगर आप अपने फोन के अंदर नेविगेशन बटन का एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नेविगेशन के बटन की जगह पर आप जस्ट नेविगेशन यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको बूथ साइड बैक बटन वगैरह देखने को मिलती है। आप साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपका फोन बैक वगैरह हो जाता है। तो ये सेटिंग्स को आप अपने फोन में भी इनेबल कर सकते हैं। चलो डेमो करते हैं, दिखाते हैं कैसे इसे ऑन करना है। वेल गाइस, इस सेटिंग को अपने फोन के अंदर इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। सिस्टम का एक ऑप्शन आएगा, इसको आप प्रेस करेंगे एंड आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन। आप चाहे तो इसको अपने सेटिंग्स के सर्च बार में भी टाइप कर सकते हैं। सिस्टम नेविगेशन ऑप्शंस आपके फोन में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से भी इसे यूज कर सकते हैं। एक बार सिस्टम नेविगेशन में प्रेस करना है। इसमें अगर आप 3 बटन नेविगेशन यूज करें, 3 बटन आपको मिल रही है, तो बटन्स को भी आप बैक बटन को भी चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर इस तरह से बैक बटन को चेंज करना है, लेफ्ट और राइट साइड में आप इजिली कर सकते हैं। जेस्चर नेविगेशन यूज करना जिसमें कोई बटन्स नहीं होती, उसके लिए जेस्चर नेविगेशन पे प्रेस करेंगे। इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा हाइड बॉटम बार, ये ऑप्शन अनचेक रहेगा तो एक लाइन मिलेगी नीचे देखने को। आप चाहते हैं ये लाइन भी ना रहे, प्रॉपर ब्लिंक रहे हमारी स्क्रीन, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। अब आपको कोई भी बटन्स वगैरह लाइन वगैरह नहीं मिलेगी, प्रॉपर स्क्रीन ब्लिंक रहेगी। और यहाँ पर आपको एक जेस्चर नेविगेशन ट्यूटोरियल है, उसको फॉलोअप कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे, स्वाइप अप करेंगे तो होम पेज पर जाएंगे, और आपको स्वाइप अप करके थोड़ा सा पुश करेंगे तो आपके पास बैकग्राउंड एप्लीकेशन आ जाएगी, जिसको रिसेंटली हमने यूज करके छोड़ा होता है। और यहाँ पर इन्वर्ट करना है लेफ्ट और राइट साइड में तो बैक आ जाएंगे। काफी सिंपल है इसको यूज करना, तो अगर आपको यूज करना तो इजीली जाके कर सकती हैं। सो आई होप कि आप समझे होंगे कैसे इसको ऑन किया जाता है। एंड कैसे भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसकी रिकॉर्डिंग, आप हमें कॉमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।